हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले टाइम में आपको कम से कम डबल का रिटर्न कमाकर दे सकती है। तो इस कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें आज के टाइम में इस कंपनी की मार्केट कैप जो है 3000 करोड़ के आसपास है इसकी मार्केट कैप, और करंट मार्केट प्राइस देखें तो ये 1624 का प्राइस चल रहा है। अगर हम इसके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में देखें तो ये ऑटोमेटिव लुब्रिकेंट्स, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, स्पेशलिटीज़ वगैरह ये सब बनाती है। अगर इसका हम लोग देखें, आपको देखिए, टू व्हीलर ऑयल के लिए मोटरसाइकिल ऑयल, स्कूटर ऑयल, पैसेंजर कार मोटर ऑयल के लिए कॉमर्शियल व्हीकल ऑयल, ट्रैक्टर ऑयल, ऑफ हाईवे ऑयल, ईवी फ्लूड, ग्रीसेस, गियर एंड ट्रांसमिशन ऑयल, OEM ऑयल्स, मिसलेनियस इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, स्पेशलिटीज़, मतलब इन सब में भी इसकी कैटेगरी है। देखिए तो यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी है इसकी। देखिए इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में कितनी सारी वैरायटीज़ है इसके पास, एंड अगर हम स्पेशलिटीज़ में जाएँ तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी वैरायटीज़ देखने को मिलती। देखिए स्पेशलिटीज़ में व्हीकल सैनिटाइजेशन एंड व्हीकल केयर, इतनी सारी इसके प्रोडक्ट है। एंड इसका जो ग्लोबल प्रेजेंस, अगर कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो आपको देखिए यूरोप में ये कम से कम 30 कंट्री में ये अवेलेबल है, यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में जैसे कनाडा, मैक्सिको जैसे कंट्री में अवेलेबल है, मिडिल ईस्ट में जैसे यूएई, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया जैसे कंट्री में ये अवेलेबल है, एंड अफ्रीका में भी, एशिया पैसिफिक, साउथ एशिया, बांग्लादेश जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इसका, मतलब इतना बड़ा इसका ग्लोबल प्रेजेंस है, इस कंपनी का इतना बड़ा ग्लोबल प्रेजेंस है। एंड अगर इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, अगर हम इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट आपके देखिए करंट में देखिएगा कि ये 496 करोड़ का सेल करके बैठा है। अगर आप इसको 2020 से अगर एनालाइज करें तो 364 करोड़ का सेल हुआ करता था 2020 में, जो आज की डेट में बढ़कर 496 करोड़ हो गया है, मतलब ऑल टाइम हाई पर है। पहले दिसंबर 2022 में एक ऐसा आया था जहां पर इससे 1 करोड़ ज़्यादा का सेल हुआ था। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो अब तक जो है इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 करोड़ लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है। एंड मार्च 2022 में एक बार 45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके अलावा आज के डेट में इसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर वाइज। अगर हम चले जाएं ईयर वाइज तो देखेंगे कि इसका, देखिए मार्च 2012 से अब तक देखिए 801 करोड़ से सेल बढ़ते 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 आज के डेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर सेल जो है कंपनी ने दर्ज किया है। एंड उसी के एवज में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 163 करोड़ का प्रॉफिट भी कंपनी ने दर्ज किया, और ये अभी कुछ मंथ बाकी है, ये कंप्लीट होगा तो ये प्रॉफिट जो है ऑल टाइम हाई, मतलब अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लास्ट इतना प्रॉफिट जो है मार्च 2021 में हुआ था 164 करोड़ का कंपनी को, एंड इस ईयर जो है 2023 का जो फुल कंप्लीट होगा मार्च तक जब पूरा कंप्लीट इसका क्वार्टर कंप्लीट होगा तो ये देखिए 163 करोड़ से भी ज़्यादा ये जो है रिटर्न प्रॉफिट कमा के लेके आएगी। एंड अगर इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो 134 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, एंड इसके अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखेगा 77 रुपीज़ का। एंड कंपनी की बैलेंस शीट पर अगर वह नज़र दौड़ाएँ तो देखिए कंपनी का रिजर्व जो है इंक्रीज होता गया है, एंड आज के डेट में कंपनी के पास 800 करोड़ का रिजर्व है। एंड बोरोइंग की अगर बात करें तो बोरोइंग कंपनी ने कभी कभी थोड़ी बहुत बोरोइंग की है, एंड आज के डेट में इसका बोरोइंग बिल्कुल नील है, जीरो के बराबर है, कुछ भी कंपनी का बोरोइंग नहीं है, 800 करोड़ का कंपनी के पास जो रिजर्व है। अब अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रमोटर ने देखिए इसमें अपनी स्टेक बढ़ाई 57.28% से 62.27% प्रमोटर इंटरेस्टेड है। अभी के टाइम में इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए, अगर आप देखें तो 57.28% हमेशा से इसमें स्टेक है, बट अभी प्रमोटर्स ने 5% के आसपास जो स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है। एंड फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो देखिए ये भी 0.97% से 1.38%, जो कि काफ़ी बड़ा है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है अपने फंड। एंड DIIs ने थोड़ा सा अपनी पोजीशन लूज़ की है, बट FIIs ने अपनी पोजीशन यहाँ पे बढ़ाई है, और पब्लिक के पास देखें तो यहाँ पे 32% है। तो इस तरह से दिख रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। अगर हम इसको टेक्निकली एनालाइज करें, टेक्निकली ये कैसा है, टेक्निकली अगर देखें तो देखिए कंपनी जो है 3283 के प्राइस से कंपनी यहाँ से रिवर्स हुआ था, यहाँ से गिरा था मार्केट, इसका मतलब प्राइस यहाँ से गिरा था, और ये ऑलमोस्ट अगर हम इसको देखें, अगर यहाँ पर आप इसको एनालाइज करें
अगर हम लोग कंपनी को अपने उसके हाई से देखेंगे, देखिए कंपनी ने ऑलमोस्ट 75% का करेक्शन किया था अपने टॉप से, अपने टॉप से कंपनी ने 75% का करेक्शन किया था। एंड आज की डेट में देखिए कंपनी हायर हाई फॉर्म करता हुआ जा रहा है, हायर हाई, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई, एक नया हाई बनाता हुआ जा रहा है। तो अगर कंपनी के पास देखें एक अभी एक रेसिस्टेंस लेवल पे कंपनी खड़ा है, अगर ये रेसिस्टेंस आप देखें कंपनी का, ये एक रेसिस्टेंस पहले इस भी यहाँ पर नीचे गिर के थोड़ा सा जंप किया था एंड फिर यहीं से मार्केट गिरा था एंड फिर यहीं पर आके देखिए कई बार रेसिस्टेंस फिर से फेस किया। अगर इसको हम लोग टेक्निकली देखें तो ये देखिए कप कप ये फॉर्म कर चुका है एंड ये यहाँ पर जो है हैंडल फॉर्मेशन के लिए तैयार है, ये हैंडल फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस केस में जो इसका टारगेट होगा, देखिए इस तरह का फॉर्मेशन ये कर रहा है, तो इस केस में जो इसका टारगेट होगा, आपको टारगेट आने वाले टाइम में इस केस इस पैटर्न के हिसाब से आपको इस स्टॉक में टारगेट जो है आने वाले टाइम में, ये देखिए कैप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है 2936 का टारगेट यहाँ दिख रहा है एंड इसका जो ऑल टाइम हाई है उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ तक का टारगेट देखने मिलेगा, 3273 का टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा। एंड जब जब ये जो है बड़ा कप रेडी होगा, ये जब बड़ा कप रेडी होगा, अगर आप देखें ये जब बड़ा कप जब कंपनी का प्राइस यहाँ पर पहुँचेगा तो एक ही बड़ा कप फॉर्म करेगा एंड यहाँ पर हैंडल भी फॉर्म कर सकता है, यहाँ पर भी कुछ दिन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है इस ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। तो उसके बाद जो इसका टारगेट निकल कर आएगा, अगर मैं इस हिसाब से यहाँ पर टारगेट निकालने की कोशिश करूँ, तो ये आपको टारगेट आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको कम से कम 5700 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है, जो कि अभी के करंट मार्केट प्राइस से अगर इसके परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 257% का रिटर्न है। अगर आप इसे एक लंबा मतलब 2 साल का टाइम कम से कम देते हैं इस स्टॉक में, तो आपको यहाँ तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आपका 1 साल 1.5 साल का व्यू है तो आपको यहाँ तक का टारगेट जो है ऑल टाइम हाई 100% का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले 1.5 साल में, ये आपको यहाँ तक का टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। अगर हम देखिए इसका जो हम अगर प्रॉफिट लॉस देखें, देखिए 2021 में इसने कितना प्रॉफिट किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 164 करोड़ मार्च 2021, मतलब इसका जो हाई था, देखिए ये 2021 में ही इसका हाई था, जुलाई के आसपास में इसने अपना हाई बनाया था जो कि 3000 के आसपास था और मार्केट का उस समय कंपनी का प्रॉफिट 164 करोड़ था एंड आज के डेट में भी कंपनी का प्रॉफिट उतना ही है एंड सेल इंक्रीज हो गया है, सब कुछ इंक्रीज, सेल एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, बट ओवरऑल प्रॉफिट अभी कंपनी का इतना है तो मार्केट को कम से कम अपने हाई अपने जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर तो होना चाहिए फंडामेंटल के भी हिसाब से। एंड जब आपको देखिएगा कि ये मार्च फिनिश होगा तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 180 करोड़ 190 करोड़ भी जा सकता है, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रिटर्न है ये आपको यहाँ तक 5700 तक का भी रिटर्न आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, जो कि 257% हो रहा है अपने करंट मार्केट प्राइस से। तो आप इसे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 100%। तो मैं जो भी आपको अपने वीडियो में जो भी स्टॉक सजेस्ट करूंगा उसकी रिटर्न कम मिनिमम 80-100% उसमें रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। आप हम मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो भी वीडियोस आज तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं। आपको जो है 80% स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, 3x, 4x, 5x हो चुके हैं, कुछ 10x भी हो चुके हैं ऐसे ऐसे स्टॉक्स। कुछ दो चार स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो अपने करंट मार्केट प्राइस से नीचे चले गए हैं या करंट मार्केट प्राइस पे ही हैं, बट मैं कोशिश ऐसा करता हूं कि जो आपको स्टॉक्स दो उसका रिटर्न आने वाले टाइम में आपको कम से कम मिनिमम 100% का रिटर्न जो कंपनी दे सके, जो कंपनी उतनी कैपेबल हो 100% रिटर्न देने के लिए, वो स्टॉक्स मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ में सजेस्ट करता हूँ। तो इस कंपनी का नाम अगर हम देखें तो इस कंपनी का नाम है टाइड वाटर, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, बहुत लोग क्लियर नहीं हो पाया होगा इनको बहुत लोगों को, तो मैं उसके लिए क्लियर कर दूँ यहाँ पर, इसका स्टॉक्स का जो नाम है वो है टाइड वाटर, टी स्टॉक्स का नाम टाइड वाटर, तो ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ये स्टॉक टाइड वाटर, टाइड वाटर ऑयल इंडिया लिमिटेड ये स्टॉक है। इस स्टॉक में आप लोग अपने रिस्क के अनुसार पैसा लगाइए, यहाँ मेरे कोई भी बाय एंड सेल की सलाह नहीं है, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड जो है यूट्यूब चैनल वाला नहीं हूँ, मैं कोई भी आपको बाय एंड सेल की सलाह यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ,
सिर्फ मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, फंडामेंटल एंड टेक्निकली मैं एनालिसिस करता हूँ, उस एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स यहाँ तक जा सकता है। मेरी पर्सनली किसी को भी बाय या सेल की सलाह यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।